रंग सयों जगता बंद सिद्धांत, रंग सयों जगता बंद सिद्धांत। रंग सयों जगता बंद सिद्धांत को समझने के लिए बेसिक रूप से जो समझने वाली बात है वो ये है कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। ये तो बेसिक रूप से आप जानते ही होंगे कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो अणु का जब निर्माण करते हैं तो दो परमाणु आपस में मिलकर बोलने से तात्पर्य है कि उसके इलेक्ट्रॉनों के बीच आपस में बंध बनाया जाता है। इस बंध के माध्यम से दोनों परमाणु जो है अणु का निर्माण करता है। ये परमाणु जब अणु का निर्माण कर लेते हैं उसके बाद उसके अंदर उपस्थित होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है यदि किसी कक्षक पर अकेला होता है, सिंगल होता है, तो उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तथा यदि डबल हो तो उसे युग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। इसी युग्मित इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन युग्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिक रूप से समझने वाली बात है। और जब परमाणु से अणु का निर्माण किया जाता है तो उस संकरण की अवस्था में चार अवस्थाएं होती है, सामान्य अवस्था, उत्तेजित अवस्था, संकरित अवस्था और अतिव्यापन की अवस्था, ठीक है। तो चार अवस्था होती है, सामान्य अवस्था, उत्तेजित अवस्था, संकरित अवस्था और अतिव्यापन की अवस्था। तो सामान्य अवस्था जो है इसी सामान्य अवस्था को मूल अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल अवस्था भी कहते हैं। जबकि दूसरा जो होती है उत्तेजित अवस्था, तो उत्तेजित अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो खाली हुए कक्षक में जा कर के भर जाते हैं, ठीक है। तो ये होती है उत्तेजित अवस्था और ये होती है मूल अवस्था। तो ये बेसिक रूप से समझने वाली बात है। अयुग्मित बोले या इलेक्ट्रॉन युग्म बोले तो जोड़ा में इलेक्ट्रॉन नजर आना चाहिए, ठीक है। और फिर जैसे मूल अवस्था बोले तो उसका सामान्य अवस्था हमें याद आना चाहिए, उत्तेजित अवस्था, ठीक है। सामान्य रूप से ये बात समझना इम्पोर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद ये समझते हैं कि यदि कोई तत्व है, कोई पदार्थ है, कुछ भी वस्तु है, यदि उस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो प्रकाश किरण में उपस्थित फोटॉन को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन अपने सामान्य अवस्था में रहती है। सामान्य जब प्रकाश किरण नहीं पड़ी होती है तब तो वो सामान्य अवस्था में होती है, लेकिन जब प्रकाश किरण उस तत्व से टकराती है और उस प्रकाश किरण के फोटॉन को अवशोषित कर लेती है तो अवशोषित करने के पश्चात उस तत्व या उस पदार्थ या उस पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होती है वो उसकी दोलन की उत्तेजना बढ़ जाती है। जब उत्तेजना बढ़ती है तो यही जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक रूप से समझने वाली बात है ये कि इलेक्ट्रॉन जो होती है वो मुक्त हो जाता है क्योंकि प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करके उसकी तरंग दैर्ध्य की लंबाई कम है या अधिक है उस पर निर्भर करती है, ठीक है। किसी इलेक्ट्रॉन की निकलने की जो निर्भरता है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, ना कि उसकी तीव्रता पर, ठीक है। तो ये समझने वाली बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। तरंग दैर्ध्य की लंबाई अधिक होती है, यानी कि लंबाई अधिक होती है तो इलेक्ट्रॉन कम निकलता है, उस तरंग दैर्ध्य की लंबाई यदि बहुत कम होती है तो इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं, बेसिक रूप से ये समझने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब देखते हैं, मूल अवस्था में अणु के इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, मूल अवस्था में अणु के इलेक्ट्रॉन युग्म दोलन की अवस्था में रहते हैं,
दोलन की अवस्था में रहते हैं। अब दोलन, दोलन क्या है? अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करे, उसे दोलन कहते हैं। ठीक है, तो ये दोलन की अवस्था में होते हैं। तो ये बोल सकते हैं मूल अवस्था में अणु के इलेक्ट्रॉन युग्म दोलन की अवस्था में रहते हैं। जब अणु को प्रकाश के किरण के पुंज में रखा जाता है, प्रकाश के किरण पुंज में रखा जाता है तो निश्चित ऊर्जा वाले एक फोटान को, ये फोटान है डेल, जिसे फोटान कहते हैं, एक फोटान को अवशोषित करेंगे। अवशोषित करेंगे वह उत्तेजित हो जाएंगे। वह इन इलेक्ट्रॉन युग्म के, इसके इलेक्ट्रॉन युग्म की जो दोलन होती है उसका वेग बढ़ जाता है। दोलन का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है। अब देखना, यहां से समझना, जब अणु को प्रकाश किरण के पुंज में रखा जाता है, तो निश्चित ऊर्जा के फोटान को अवशोषित करेंगे वह उत्तेजित हो जाएंगे। और इसके इलेक्ट्रॉन युग्म, इस अणु के इलेक्ट्रॉन युग्म के दोलन का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है। अवशोषित फोटान की तरंग दैर्ध्य अणु के मूल अवस्था व उत्तेजित अवस्था दोनों के बीच की ऊर्जा के अंतर पर निर्भर करता है। यह क्या बोला जा रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने जब सामान्य अवस्था में जब अणु होता है, अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब वो सामान्य रूप से उपस्थित होता है तो उसे मूल अवस्था कहते हैं। लेकिन यदि प्रकाश किरण उसमें पड़े और वो एक फोटान को अवशोषित करे, तो अवशोषित करने के बाद उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, उत्तेजना बढ़ जाती है, उस अवस्था को उत्तेजित कहते हैं। सामान्य रूप से रहे तो उसे सामान्य अवस्था कहते हैं, और प्रकाश किरण के फोटान को ग्रहण करके उत्तेजित हो जाए तो उसे उत्तेजित अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा के अंतर पर निर्भर करती है। ठीक है, समझ में आई बात? और फिर ये बोला जा रहा है कि दोनों अवस्थाओं के बीच की ऊर्जा का अंतर कम हो, जो है वो यदि कम हो तो इसके
तरंग दैर्ध्य, लंबी तरंग दैर्ध्य को अवशोषण करते हैं, लंबी तरंग दैर्ध्य का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। पहला इसमें दिया हुआ है संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार, पहला दिया हुआ है कि मूल अवस्था, मूल व उत्तेजित दोनों अवस्थाओं मूल व उत्तेजित, मूल अलग है उत्तेजित अलग है, ठीक है, मूल व उत्तेजित दोनों अवस्थाओं की ऊर्जा, ऊर्जा आवेशी संरचना के बीच आवेशित संरचना के बीच अनुनाद के परिणाम स्वरूप अनुनाद के परिणाम स्वरूप होते हैं, कम होते हैं। क्या बोला गया है ध्यान से समझना इसको, मूल व उत्तेजित दोनों अवस्थाओं के की ऊर्जा आवेशित संरचना के बीच, आवेशित आवेशित संरचना के बीच अनुनाद के परिणाम स्वरूप कम होते हैं, अनुनाद के परिणाम स्वरूप कम होते हैं। इसमें दूसरा ये बोला गया है कि आवेशित आवेशित संरचना, आवेशित संरचना मूल अवस्था की अपेक्षा, ये मूल अवस्था की अपेक्षा उत्तेजित अवस्था के लिए अधिक योगदान करते हैं, अधिक योगदान देते हैं। आवेशित संरचना, अब देखो क्या बोला जा रहा है, आवेशित संरचना मूल अवस्था की अपेक्षा, मूल अवस्था की अपेक्षा उत्तेजित अवस्था पर अधिक योगदान देते हैं। ठीक है, मूल अवस्था पर अधिक योगदान देते हैं। तीसरा इसमें, तीसरा पॉइंट इसमें यह है अनुनाद में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, अनुनाद में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होने के लिए अनुनाद होने से, सॉरी, अनुनाद में अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या होने से मूल अवस्था व उत्तेजित अवस्था के बीच ऊर्जा अंतर कम होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये था तीसरा पॉइंट। एथिलीन रंगहीन है, जबकि पॉलीइन रंगीन है। एथिलीन रंगहीन है जबकि पॉलीइन जो होता है वो रंगीन होता है। ठीक है, रंगीन होता है। इस कारण से
इस कारण से रंग की तीव्रता बढ़ जाती है, रंग की जो होती है तीव्रता बढ़ जाती है, रंग की तीव्रता बढ़ जाती है। क्योंकि अणु के इलेक्ट्रॉन का संयुग्मन, संयुग्मित इलेक्ट्रॉन संयुग्मित द्विबंध की संख्या संयुग्मित द्विबंध की संख्या के लिए होता है, ठीक है। इस संख्या के कारण ही इस रंग की तीव्रता जो होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि ये बोल सकते हैं कि एथिलीन रंगहीन होता है जबकि पॉलीइन रंगहीन होता है। जब रंग की तीव्रता बढ़ जाती है क्योंकि अणु के संयुग्मित द्विबंध संख्या संयुग्मित द्विबंधों की संख्या हो जाती है संख्या होती है इसे संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं, इसे संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं। अब इस संयोजकता बंध सिद्धांत का एग्जाम्पल एथिलीन के लिए लिया गया है। तो एथिलीन के लिए एक और दो अनुनाद के रूप में होता है। तो अनुनाद के रूप में लेंगे एथिलीन को, तो एथिलीन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 रासायनिक अभिक्रिया के दौरान CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहां से जब बॉन्ड टूटा तो एक कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन एक कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, एक कार्बन जो होता है इलेक्ट्रॉन लेता है। इस कारण से एक पर प्लस चार्ज एक पर माइनस चार्ज है। तो ये जो है फर्स्ट है और सेकंड अनुनाद, ठीक है। तो यहाँ पे जो बताया गया है जो फर्स्ट है वो अणु की यानी कि एथिलीन की मूल अवस्था है, जबकि सेकेंड जो दिया हुआ है वो अणु की यानी कि एथिलीन की उत्तेजित अवस्था होती है, उत्तेजित अवस्था को प्रदर्शित करती है, मूल अवस्था और उसके उत्तेजित अवस्था को प्रदर्शित करती है, ठीक है। अब यहां पे यह बताया गया है जब ये इसको प्रदर्शित करती है तो उसके बीच जो ऊर्जा का अंतर होता है, ऊर्जा अंतर के कम होने से इसकी ऊर्जा कम होती है, जिसके कारण से इसके तरंग दैर्ध्य जो होता है वो भी बहुत कम होता है। ऊर्जा अंतर कम होने से इसकी अर्थात ऊर्जा अंतर दोनों में ऊर्जा अंतर कम होने से उसके तरंग दैर्ध्य भी बहुत कम होती है दोनों में, यानी कि उसकी मूल अवस्था और उसके उत्तेजित अवस्था के बीच का जो अंतर होता है उस ऊर्जा अंतर में बहुत कमी होता है, जिसके कारण से उसके तरंग दैर्ध्य में भी कमी हो जाती है। और जहाँ तक बात करें रंग की, तो रंग जो होती है वो बहुत कम तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करके हल्का रंग प्राप्त होता है, ठीक है, समझ गए बात। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो रंग संयोजकता बंध सिद्धांत पर आधारित है। सो थैंक यू।
हैं।